स्वागत। चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी F14 के बारे में, जो कि एक 5G स्मार्टफोन रहेगा और गैलेक्सी F13 का ये सक्सेसर होने वाला है। 24 मार्च को ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला था, बट लॉन्च से पहले ही सैमसंग ने इस फोन को लेकर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कन्फर्म कर दी है। इवन इसके फर्स्ट लुक भी रिवील हो गए हैं और फोन के अंदर जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है उससे ये पता चलता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन रहेगा अंडर 15,000 का, वो भी सैमसंग की तरफ से। तो कैसा होगा ये फोन, यहाँ पे आपको क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स क्या क्या होंगे, प्राइस इसकी इंडिया में क्या रखी जा सकती है और क्या हमें इस फोन का वेट करना चाहिए या फिर नहीं, इन टोटल सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करो दोस्तों, और वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो अपना छोटा भाई समझ के वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। ऑल राइट दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो गाइस ये जो फोन है ये पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आएगा, जहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल सा डिजाइन देखने को मिलेगा। टॉप लेफ्ट में यहाँ पे दो कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएंगे और उसके राइट साइड एक LED फ्लैश लाइट देखने को मिलेगी। फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो वो भी यहाँ पे प्लास्टिक का होगा और फ्रंट की तरफ ग्लास देखने को मिल जाएंगे, जिसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले इस फोन के अंदर देखने को मिलने वाला है, जो कि सैमसंग की पहचान है और इस चीज से कुछ लोग डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं। बाकी बेजल और चिन के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे एवरेज होंगे। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से देखा जाए तो फोन गुड लुकिंग होगा, डिजाइन और लुक्स वाइज डिसेंट रहेगा, मैं इसे बहुत अच्छा नहीं कह सकता। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो इस फोन के अंदर 6.6 इंच का एक 90Hz PLS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। अब ये जो डिस्प्ले है दोस्तों ये IPS से थोड़ा सा बेटर रहता है, कलर्स वगैरह अच्छे निकल के आते हैं और व्यूइंग एंगल्स भी यहाँ पे काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। बाकी स्मूथनेस के लिए यहाँ पे 90Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा, तो जब भी आप इस फोन से गेमिंग वगैरह करोगे तो यहाँ से आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी 480 निट्स की यहाँ पे ब्राइटनेस भी मिल जाएगी, तो आउटडोर में भी ये डिस्प्ले ठीक ठाक तरीके से वर्क करेगा। और दोस्तों वाइड वाइड 11 का भी इस फोन के अंदर सर्टिफिकेशन देखने को मिलेंगे, तो Netflix और YouTube पे आप मैक्सिमम 1080p पे वीडियो प्ले कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ में सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी लगा है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से देखा जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी जो होगी प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी होगी। वैसे इसको बेटर किया जा सकता था रिफ्रेश रेट को इंप्रूव करके। अब अगर इसके परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो इस फोन के अंदर 5nm वाला Exynos 1330 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि सैमसंग का न्यूली लॉन्च चिपसेट है। वैसे ये चिपसेट हमने ऑलरेडी कई सारे स्मार्टफोन में देखा है, 2.5 GHz की क्लॉक स्पीड पे रन करता है और 400,000 के करीब ये अंतुत्व स्कोर निकाल कर ये दे सकता है। तो परफॉर्मेंस जो होगा वो इस फोन का डिसेंट रहेगा, डे टू डे लाइफ में इस फोन से आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो लोग गेमिंग करना पसंद करते हैं लाइक COD या फिर BGMI खेलना पसंद करते हैं उसके लिए भी ये प्रोसेसर ठीक ठाक है। बट ये चीज आपको याद रखनी होगी कि Dimensity 810 से ये थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देगा, बट Snapdragon 695 से गेमिंग एक्सपीरियंस बेटर बिल्कुल भी नहीं होगा। बट यहाँ पे UFS 2.2 के स्टोरेज देखने को मिलेंगे एंड LPDDR4X का रैम रहेगा, तो एप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड वगैरह जो होगी वो फास्ट रहेगी। कहने का मतलब ये है कि रीड एंड राइट स्पीड इसकी फास्ट होगी। Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आएगा, One UI 5.1 के ऊपर ये फोन रन करेगा, जो कि फुल फ्लेज बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पे कोर वाली UI मिलेगी। बट फीचर्स वगैरह यहाँ पे आपको फुल फ्लेज वाले ही देखने को मिलेंगे, लाइक नॉक्स की सिक्योरिटी मिल जाएगी, सैमसंग वॉलेट भी मिलेगा और सिक्योर फोल्डर भी इस फोन के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक चीज बताना भूल गया कि इस फोन के अंदर कहा जा रहा है कि 2 साल के OS अपडेट एंड 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट भी सैमसंग देंगे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। बैटरी कैपेसिटी के ऊपर आते हैं तो दोस्तों इस फोन के अंदर बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी और यही इस फोन का की हाईलाइट है। फोन के अंदर कहा जा रहा है 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी चीज है। और प्रोसेसर 5nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है, तो काफी पावर एफिशिएंट भी है। सिंगल चार्ज में आप इस फोन से अच्छी बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक नॉर्मल यूजर्स को कम से कम 2 दिन का बैकअप आराम से निकाल कर देगा। बाकी इसकी फास्ट चार्जिंग स्पीड भी काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 25W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इन द बॉक्स यहाँ पे चार्जर नहीं मिलने वाला है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आएगा, फोन के अंदर 3.5mm जैक भी देखने को मिलेंगे, माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी होगा जो कि डेडिकेटेड रहेगा, 2 सिम के साथ एक माइक्रो SD कार्ड इस फोन के अंदर आप लगा पाओगे। सिंगल स्पीकर के साथ ही ये फोन आएगा दोस्तों, बट 3.5mm जैक के अंदर डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलेगा, तो जब आप हेडफोन लगा के गाने वगैरह सुनोगे या फिर मूवी एंजॉय करोगे तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। बाकी फोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक के सपोर्ट भी देखने को मिलेंगे। वैसे ये एक 5G स्मार्टफोन है, फोन के अंदर आपको 13 5G बैंड के सपोर्ट भी देखने को मिल जाएंगे। अब गाइज अगर हम आते हैं इसके कैमरे के ऊपर तो पीछे की तरफ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 कैमरा देखने को मिलेंगे। मेन कैमरा 50MP का होगा, जिसे आप मैक्सिमम 30fps पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे और फोटोज भी ये काफी अच्छे निकाल कर देता है। बाकी दूसरा सेंसर यहाँ पे 2MP के देखने को मिलेंगे और सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे 13MP का होगा और इस सेंसर से भी आप मैक्सिमम 30fps पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो कैमरा सेटअप जो होगा वो मेरे हिसाब से डिसेंट रहेगा। बाकी कैमरे के अंदर आपको HDR, पैनोरमा, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड और प्रो मोड जैसे कुछ फीचर्स देखने को मिल जाएंगे।
तो गाइज यही थे इस फोन के सभी के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों कहा ऐसा जा रहा है कि इसको 4GB 128GB एंड 6GB 128GB के सिर्फ और सिर्फ दो मॉडल में लॉन्च किया जाने वाला है। जो बेस मॉडल रहेगा 4GB 128GB उसकी प्राइस बताई जा रही है इंडिया में 14999 रखी जा सकती है एंड सेकेंड मॉडल को 15999 में लॉन्च किया जाएगा। मतलब 15,000 और 16,000 रुपये का ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। बट यहाँ पे ऑफर्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे, शायद 1,000 से 1,500 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा कार्ड के ऊपर। तो अगर इस प्राइस पे ये फोन इंडिया में आता है तो मेरे हिसाब से डील काफ़ी अच्छी होगी। वैसे अब यहाँ पे सवाल निकल के ये आता है क्या हमें इस फोन का वेट करना चाहिए या फिर नहीं। तो सिंपल शब्दों में कहूँ तो अगर आपका बजट 15,000 रुपये का है और इस प्राइस पे फोन परचेस करने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप इस फोन का वेट कर सकते हो। बाकी 24 मार्च को ये फोन इंडिया में लॉन्च हो रहा है तो पहले लॉन्च होने दीजिए, प्राइस ऑफिशियली जब रिवील हो जाएगी तब इस फोन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो फिर से लाऊंगा, तो उसके लिए चैनल के साथ अभी बने रहिए। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।